एग्जाम डेट एज पर स्केड्यूल जो कि अभी टेंटेटिव है, अभी आया नहीं है, वो जैसे ही आता है वैसे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके बिफोर एग्जाम ही। वेलकम बैक टू अवर प्लूटिस अकेडमी चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसीज के साथ आई हूँ जो कि रिपोर्टर की पोस्ट के लिए रिक्रूट हुई है। ये बेसिकली हमारी वैकेंसीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार विधान परिषद रिपोर्टर, जिसे हम हिंदी में प्रतिवेदक भी कहा जाता है। इसी के साथ जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी हैं, तो जिनका अपनी चीज़ों को जिस तरीके से व्यक्त करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये वैकेंसी उनके लिए है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के साथ आज इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस वैकेंसीज की लास्ट डेट कब है, आपको कब तक ये फॉर्म फिल करना है और कितनी इसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। चलिए, आप जैसे कि देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट 2024 की है। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन आपकी 10 जनवरी 2024 से ही शुरू हो गई है और आपकी लास्ट डेट है 30 जनवरी। इसी के साथ आपकी पेमेंट की भी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम डेट एज पर स्केड्यूल जो कि अभी टेंटेटिव है, अभी आया नहीं है, वो जैसे ही आता है वैसे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके बिफोर एग्जाम ही अवेलेबल होते हैं। अब बात करते हैं फीस है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस है 1200, वेयर एज अगर आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप हैं आपकी फीस है 600, ठीक है। ये पेमेंट आप किस मोड से कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी नेट बैंकिंग, ई चलान, इन सब के द्वारा आप अपनी जो फीस है वो पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी के रिगार्डिंग। आपकी अब एज लिमिट क्या होनी चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता रहनी चाहिए कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉलो करता है कि आपकी एज लिमिट क्या है, आप उस क्राइटेरिया में फॉल होते हैं या नहीं होते हैं। मिनिमम एज इन्होंने 21 बता रखी है, मैक्सिमम एज 37 साल है फॉर मेल, इफ़ यू आर फीमेल देन इट्स 40 ईयर्स, ठीक है। इसी के साथ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल सकता है अगर बिहार विधान परिषद रिपोर्टर रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये वैकेंसीज जो है वो कितनी निकली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 11 निकली हुई हैं, तो आप पता ही लगा सकते हैं इस चीज़ से कि कितना कंपटीशन टफ रहेगा इसके लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे UR1, EWS के लिए 2, EBC 3, 2 एंड टोटल 11, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिपोर्टर जो कि बिहार के लिए निकली है विधान परिषद के लिए वो यूजफुल रही होंगी। इसी के साथ यूं ही बने रहिए हमारे साथ प्लूटस अकेडमी के साथ। थैंक यू।